हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए 8:30 बज चुके हैं रात के, अभी तक जयवीरो तो नहीं सोए, आज सोएंगे भी नहीं, दिन में काफी सोए हुए हैं। और हमारा जय तो सोया है, कितने घंटे सोई प्रीतिया? दो घंटे से भी ज्यादा सोई? 2 घंटे तो गलत बोला, मुझे लगा ज्यादा सोई। और अभी सब लोग जो है यहाँ पर जगे हुए हैं, और इसे तो कुछ काम नहीं, जैसे आपने आप करा ऐसे ही उसे सिखा यार, वो सीखती चली जा। ये इरेजर इसमें देखिए, लिपस्टिक में जो है इन्होंने कलाकारी करके सेट कर दिया है। एक बार दिखा तो दे, लिपस्टिक ही है। देख इसे भी लिपस्टिक, देखो वह बज की लड़ाई नो है, छोटे छोटे जागते हो। क्या बात होगी पिताजी इसकी, ये यहाँ क्यों लेट रहा? रूस गया। और ये देखिए पिताजी से नाराज हो गया है पिताजी, है? चली जाऊं बेटे? चप्पल 7 नंबर की है पा, मैं बिल्कुल सही पड़ेगी, अभी से नाराज होना सीख रहा। नंदनी उठ गई है, नंदनी उठ गई है, ये देखो जी नंदनी उठ गई है सोकर। और उसी ने जो है एक किल की मारी, उसमें ही एक में उठा दी। और आज के बाद तेरी मेरी कट्टी, तन्ने अलग केली ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खुवाई, मुझे बताया भी नहीं, पर मुझे तेरे पापा ने थोड़ी सी दे दी थी ऊपर ले जा गए। और पता मन्ने क्या खाए, मन्ने क्या कह रखा था, मन्ने गोल गप्पे खाए था, मैं किसी को नहीं बताया। दिए तो नहीं था, मैं पूछ अपने पापा था, अरविंद गोल गप्पे आए थे ना मेरे नाम के। और तेरी मम्मी ने खाए नहीं, प्रीति ने? बढ़िया नहीं लगते से, और वैसे भी नंदिनी का पेट खराब हो रहा, मौसम ऐसे ही चलती। पर मन्ने में थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े करके सारे खा लिए। बताया तो नहीं था मैं कोई से भी। हाँ जी हाँ, इतनी महंगी हो गई, पहले तो 10 रुपए के 5 आ रहे थे, दिख गए पर एक बात है टेस्टी थे। मेहनत ज्यादा है उसमें, मटेरियल ज्यादा नहीं है, सूजी तो वैसे भी सस्ती है, मटेरियल तो बहुत कम है, लेकिन बारी खाने में मेहनत का काम है, मेहनत के पैसे उसमें। और बढ़ जाता बढ़िया ना, एक दिन गोल गप्पा वो हो जाए चैलेंज, बनाया जाएगा पहले तो। अरविंद पावे बनाने बनाए थे एक बार, कई साल पहले बनाए थे, लेकिन अब पता नहीं पहली बार इतने दिन बाद बनाऊंगा तो बढ़िया बन गया नहीं बनेगा। और कई दिन लोग खाया था वो पानी से, तो कई दिन तक पिया था। अगली बार बनाऊंगा जरूर एक बार। हाँ चैलेंज होना चाहिए गोल गप्पा चैलेंज। ए दिखाइए मुंह कैसा हो रहा तेरा बेटा, मुंह पेंसिल ले देखा तो चुप जाती है, निकाल दो इसे कैप को। और उसने ना, और उसने एक लेसन करा था ऊपर जाकर, आज भी लिख कर दिया था मैंने सर पूरे पर, फेर दिया उसने। अरे नंदनी क्या लिखे है, नंदू राम राम करनी भूल गए नंदू तो 3 दिन में, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं बता रही नंदनी और ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, अब प्ले से स्टार्ट कर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा, ना पेंसिल ना दे ले लो। नंदनी जो चीज मुंह में जाती है, चाबी ला के दे देंगे तुझे, चाबी ला देंगे प्लास्टिक से वाली, आ गई बच्चों के खेलने की। श्री राम देख माँ ली, नंदनी देख माँ, क्या तो माँ को भी नहीं देख रही कई दिन से। आह देख जाने को तो जी कर रहा है इसका, माँ पे माँ आज पता क्यों नहीं आ रही आपके पास यार, मैं बता रही आप इसे जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करो। माँ को लगता रहा कि नंदनी भूखी है, तो इस वजह से वहाँ पर जा नहीं रही, दिल्ली सी होगी ज्यादा ही। ए नंदनी चली जा वहाँ पे, ये देखो नंदनी अब वहाँ पर नहीं जाती है, बहुत मुश्किल माई रखेगी बेटा तुझे फिर, जब तू स्कूल में जाग रही झटका सा।
एडमिट नहीं करने को बता रही थी, फिर वो तो बड़े भाई साहब ने कहा ना मैं ट्रीटमेंट करके देख लूंगी एक बार फिर करेंगे। ईसा तो कहीं हॉस्पिटल बदले इसके तो। और उसके बाद जब 1.5 साल की थी जब तो दिल्ली लोग कितने बारीक बारीक से इसके हाथ हो गए देखो, कमजोर इसकी गर्दन देख कितनी सी होगी, गर्दन चिड़िया जैसी होगी, चिड़िया जैसी बर्ड होती है। तो देखिए कोई हमें बताइए कि जब बच्चों के जाड़ दांत निकलते हैं तो क्या खिलाना चाहिए, इसके जो है पोटी लग रही बार बार पोटी करती है ज्यादा और खाती है कुछ है नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कुछ ना कुछ। प्यारे से सब्सक्राइबर सब हमें सजेशन जरूर दीजिएगा हमारी नंदनी के लिए, हमारी क्या है आप सबकी भी नंदनी है प्यारी सी नंदनी लेकिन मुस्कुरा देती है, प्यारी नंदनी है, ये तो ऐसे भी कर लेती है। श्री राम जय राम जय जय राम, ये तो ऐसे भी कर लेती है। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा लगता है ये, और इस टाइम जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी सी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बाहर जो है मच्छर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं तो इस वजह से यहाँ पर लेटा नहीं जाता, बिना मच्छरदानी के इम्पॉसिबल है। और जब सब लोग जो है आंगन में सोते हैं घर के तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक की चारपाई यहाँ पर, एक की यहाँ पर, नज़दीक नज़दीक रहती है सबकी, बातें भी करते रहते हैं। हम लोग सोते हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो वहाँ पर हम अब सोया करेंगे और मच्छरदानी लगाया करेंगे, मच्छरदानी जो है हमारी पिछले साल की रखी है सब लोगों की। अभी तो माँ भी अपने रूम में सोती है और गुड्डू भी, फिर सब लोग जो है यहाँ पर माँ की और गुड्डू की चारपाई रहा करेगी और कूलर चल जाया करेगा, हम लोग ऊपर खुले में सोएंगे और प्रीति रूम में सोती है। प्रीति को बाहर खुले में सोने की ज़्यादातर आदत नहीं है, वो अक्सर अंदर ही सोती है। वैसे हमारे रूम ऊपर से छपे हुए हैं तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठंडक ही रहती है, लेकिन फिर भी खुले में सोने का एक अलग ही मज़ा होता है। जब ज़्यादा गर्मी आती है तो हम लोग खुले में ज़रूर सोते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाला नज़ारा। और कल इसकी जो पत्तियाँ ख़राब है कल इसके लिए भी हमने कुछ एक सजेशन ढूंढा है, एक दवाई बना रहे हैं हम ऑर्गेनिक तरीके से ही, तो इस पर जो है हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे मशीन लेकर आएंगे, किसी से मांग लेंगे, किसी पड़ोसी से, हमारा तो है नहीं। और ये गुड्डू जो है वो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है, कुछ कर रही है शायद, ये देखिए। और ये गई थी मंदिर में और मेरे लिए लेकर आए थे गोलगप्पे, मैंने गुड्डू को बोला था गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे, लेकिन प्रीति ने खाए नहीं नंदनी की वजह से। खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ता है जब बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, और ये तो लगी रहती है अपने काम में। बुआ जी लेट गई हैं उधर उस वाले रूम में, और चिंकी और आरुषा इस वाले रूम में, और पिताजी भी। चलिए किचन बंद कर देते हैं, नहीं तो नोनू बेबी आ गया ना सारा दूध दांत खराब कर देगा, क्या पियेंगे सब। अच्छा तो फ्रेंड्स देखिए रात का टाइम है, रात के बजे 9 और मैं अभी पढ़ाई कर रही थी तो मुझे सब्जेक्ट मिला हिंदी। हिंदी में मुझे एक इकाई नहीं आती है क्योंकि उसमें सीरियल नंबर डालने होते हैं एक इकाई में, तो मैं भूल गई। मैं मम्मी से लिखवाऊंगी, मैंने मम्मी को एक कॉपी और पेन दे दिए कि मम्मी मुझे लिख के दे दो, अब मम्मी लिखेगी। ये देखिए इस तरह लिखी जाती है, मैं लिख तो देती हूँ लेकिन मुझसे जैसे ये वर्ड बनते हैं ये बनाए नहीं जाते, लेकिन मुझे पहचान तो है कौन सा कैसा क्या नाम रखा है इसका। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, छह इकाई, सात इकाई, आठ इकाई, नौ इकाई, दस इकाई, दस दाई एक इकाई, दस रे ग्यारह, दस दाई दो इकाई, दस रे दो बारह, दस दाई तीन इकाई, दस रे तीन तेरह, दस दाई चार इकाई, दस रे चार चौदह, दस दाई पांच इकाई, दस रे पांच पंद्रह। अभी तक भी मैं भूली नहीं हूँ। बीस तक लिख दी है। ये देखो जी 20 तक गिनती लिख के दिखा दी मन्ने से, या सोच रही थी कभी मम्मी पर आती ना हो, लेकिन मेरे से नहीं आती, लेकिन सीखो ये भी सीखना जरूरी है, बहुत काम की चीज है। संस्कृत व्याकरण और हिंदी, वैसे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही ना इनका कोई किसी को ज्ञान नहीं होता, सिखाते भी नहीं। हाँ। कोई नहीं, घर पे भी मम्मी पापा से सीख सकते हैं बच्चे। हाँ। ऐसी देसी गिनती है ये, देसी गिनती। ये देखो जी लिख दी, चलो